सो हे गाइस, दिस इज योर सप्लाइन, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के टॉप 5 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बताने वाला हूं, जहां पे आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लेसमेंट की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनकी जेईई मेन में रैंक जो है वो 20,000-30,000 के पास आ रही है, और उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिनकी जेईई मेन में रैंक जो है वो 4 लाख या 5 लाख के अंदर आ रही है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए ही यूजफुल नहीं है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं तो भी इन कॉलेजेस में 10% सीट्स ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए भी रिजर्व होती हैं। और लो रैंक पे यहाँ पे आपको एक बेहतर ब्रांच मिल जाती है, आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तो इस वीडियो के अंदर इन 5 कॉलेजेस के बारे में मैं आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, इनका फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, इनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी देखेंगे कि कब स्टेब्लिश हुआ, यानी सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एक एक करके सभी कॉलेजेस को चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड एमपीटीटी जोसा सीएसएबी यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इन काउंसलिंग के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती हैं। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है एसजीएसआईटीएस इंदौर, ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। इनका कैंपस एरिया 36 एकड़ का है, यहां पे एडमिशन एमपीडीटी काउंसलिंग से होता है। तो इन सभी कॉलेजेस के लिए कुछ कॉमन बातें हैं, जितने भी कॉलेज में आपको बताऊंगा इन सभी में जो एडमिशन होता है वो एमपीडीटी काउंसलिंग से होता है, जो कि आपकी 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। राउंड वन के लिए रजिस्ट्रेशन इनके 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इन सभी कॉलेजेस के लिए जो स्कॉलरशिप है वो भी सेम है, यहाँ पे दो टाइप की स्कॉलरशिप है, पहली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए है, और दूसरी आपकी एमएमबीवाई है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो यहाँ पे एनआईआरएफ की बात करते हैं तो 2022 में इस कॉलेज की जो एनआईआरएफ है वो 201 से 250 के बीच थी, 2021 में 183 थी। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट की तो 2022 बैच में इनका हाईएस्ट पैकेज 55 लाख का था, एवरेज पैकेज 6.2 एलपीए का था ओवरऑल कॉलेज का, और अगर सीएसआईटी ब्रांच की बात करते तो इनका एवरेज पैकेज जो था वो 7.5 एलपीए का था। अगर कट ऑफ की बात करते तो यहां पे मैंने ऑल इंडिया कोटा और होम स्टेट कोटा दोनों के ही कट ऑफ बता रखे हैं। ऑल इंडिया वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें एमपीडीटी की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी से ही एडमिशन मिलता है, उनकी कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती। तो यहां पे ऑल इंडिया के लिए अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 26,013 पे क्लोज हुई थी, आईटी 38,796 पे क्लोज हुई थी, और प्रोडक्शन जो है वो 116,371 पे क्लोज हुई थी। अगर स्टेट कोटे की बात करते हैं तो यहां पे जो मैकेनिकल है वो 1,60,908 पे क्लोज हुई थी, कंप्यूटर साइंस 25,521 पे क्लोज हुई थी। तो जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पे जनरल कैटेगरी के पास मैंने कट ऑफ लिखे हैं, अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके प्रॉपर कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 2 पे जो कॉलेज है वो है आईईटी डीएवीवी इंदौर, ये एक सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो कि 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, 210 एकड़ का इनका कैंपस है, इंदौर जंक्शन से इनका जो डिस्टेंस है वो 5.5 किलोमीटर का है। एंड अगर एनआईआरएफ की बात करते हैं तो 2021 में इनकी एनआईआरएफ 251 से 300 के बीच थी, 2022 में ये कॉलेज एनआईआरएफ में रैंक नहीं है, लेकिन एनआईआरएफ से कॉलेज जज मत करना क्योंकि प्लेसमेंट इस कॉलेज की काफी बढ़िया है। अगर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो इनकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 44,000 पर सेमेस्टर है, एंड हॉस्टल फीस आपकी 22,500 है। 2022 बैच के प्लेसमेंट देखे तो टोटल यहाँ पे 26 कंपनियां आई थी, टोटल जो ऑफर आए थे ऑन कैंपस बीटेक में वो 609 आए थे, और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करते तो ऑफ कैंपस 57 लाख का था, ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज 22 लाख का था, जिनमें 8 बच्चे सीएस के थे और 5 बच्चे आईटी के थे। ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज 5.6 LPA का है, और अगर CSIT के एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो ये 6.24 LPA का है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए कंप्यूटर साइंस 44,602 पे क्लोज हुई थी, IT 63,147 पे क्लोज हुई थी, और मैकेनिकल जो है वो 1,01,954 पे क्लोज हुई थी। होम स्टेट के लिए जो मैकेनिकल है वो 1,27,145 पे क्लोज हुई थी, और सिविल जो है वो 1,66,892, काफ़ी हाई क्लोजिंग है इस कॉलेज
कॉलेज के प्लेसमेंट के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं नंबर थ्री जो कॉलेज है वो है JEC जबलपुर, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड ऑटोनोमस कॉलेज है ये, एंड 1947 में स्टेब्लिश हुआ था। 255 एकड़ का इनका कैंपस है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते तो इनकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो आपकी पर सेमेस्टर 15,670 है एंड हॉस्टल फीस 1,891। काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है ये, क्योंकि ये फुली गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके कारण की जो फीस है वो काफ़ी कम है एंड ये कॉलेज वैल्यू फॉर मनी है। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो 2022 बैच में यहाँ पे 28 कंपनियाँ विजिट की थी। बीटेक के लिए ऑन कैंपस यहाँ पे 464 ऑफर आए थे एंड हाईएस्ट पैकेज इनका ऑफ कैंपस 52 लाख का था, जो कि CSE से गया था, एंड ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का था, जिनमें 2 बच्चे IP के और 1 स्टूडेंट EC का था। एवरेज पैकेज ओवरऑल कॉलेज का 4.57 LPA का है एंड CSIT का अगर एवरेज पैकेज देखते हैं अलग से तो ये आपका 5.34 LPA का है। कट ऑफ की बात करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 51,354 पे क्लोज हुआ था, IT जो है वो 61,988 पे क्लोज हुआ था एंड मैकेट्रॉनिक्स जो है वो 90,034 पे क्लोज हुआ था एंड AIDS जो है वो ऑल इंडिया के लिए 1,04,000 के समथिंग क्लोज हुआ था। होम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स का जो कट ऑफ गया है वो 3,37,170 गया है, IP का जो कट ऑफ गया है वो 5,76,875 गया है एंड CS जो क्लोज हुई थी होम स्टेट के लिए वो 67,096 पे क्लोज हुई थी। इसके बाद नंबर 4 पे है MITS ग्वालियर, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर। ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि 1957 में स्टेब्लिश हुआ था। 47 एकड़ का इनका कैंपस है एंड अगर बात करते हैं रैंकिंग की तो 2021 में इनकी NIR ऑफ 274 थी। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट फीस पर सेमेस्टर आपको 79,270 पे करनी होगी और अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2021 बैच में इनका हाईएस्ट पैकेज जो था वो 10 लाख का था एंड एवरेज पैकेज 5.9 लाख का था। अगर बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ की तो ऑल इंडिया के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 2,35,094 पे क्लोज हुई थी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है वो 1,09,72 पे क्लोज हुई थी एंड IT IoT जो है वो 3,08,788 पे क्लोज हुई थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ काफी हाई जा रही है और हमें एक बेहतर ब्रांच मिल रही है। इवन 2-3 लाख रैंक है तब भी हमें CSIT से रिलेटेड ब्रांच मिल जा रही है जिसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप MPDT की काउंसलिंग सही तरीके से फॉलो करो, सही तरीके से आप चॉइस फिलिंग वगैरह करो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद अगर होम स्टेट की बात करते हैं तो AI जो है वो 2,14,000 के समथिंग क्लोज हुई थी, 87,830 पे CS क्लोज हुआ था। IT IoT जो है वो 2,98,722 पे क्लोज हुआ था एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है ये 5 लाख के समथिंग क्लोज हुआ था। इसके बाद जो नंबर 5 पे कॉलेज है वो है UIT RGPB भोपाल, जो कि सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। 1986 में स्टेब्लिश हुआ था, 214 एकड़ का इनका कैंपस है एंड अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2022 बैच में हाईएस्ट पैकेज 18.5 LPA का था, जो कि ऑफ कैंपस था CSE से एंड ओवरऑल कॉलेज का एवरेज पैकेज 3.8 LPA का था एंड CSIT का जो एवरेज पैकेज था वो 4.2 LPA का था। और अगर कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया के लिए जो कंप्यूटर साइंस है वो 78,000 के समथिंग क्लोज हुआ था, IT जो है वो 1,01,000 के समथिंग क्लोज हुआ था एंड मैकेनिकल जो है वो 5,23,980 पे क्लोज हुआ था। स्टेट कोटे की बात करते तो कंप्यूटर साइंस 87,792 पे क्लोज हुआ था, IT 1,12,000 के समथिंग क्लोज हुआ था और EC जो है वो यहाँ पे लगभग 2 लाख के करीब क्लोज होता है। तो ये है UIT RGPB भोपाल के कट ऑफ। तो ये हमने आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज बताए हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पे आपको एक बेहतर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी हाई रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाता है।